देश में सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या के श्री राम मंदिर पर फैसला आने वाला है, जिसको लेकर बुधवार को जिला प्रशासन की पूरी टीम ने देपालपुर थाने पर पहुंचकर जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों से संवाद साझा किया। इस संवाद में इंदौर पश्चिम एसपी अवधेश गोस्वामी, अपर कलेक्टर पवन कुमार जैन, एडिशनल एसपी धर्मराज मीणा, तहसीलदार अवधेश चतुर्वेदी, एसडीओपी राजकुमार राय की मौजूदगी में देपालपुर क्षेत्र के किसान, व्यापारी, भाजपा, कांग्रेस के नेता, सभी दल के जनप्रतिनिधियों ने संवाद में हिस्सा लिया। इस दौरान अपर कलेक्टर पवन कुमार जैन ने कहा कि फैसला चाहे जो भी आए, मैं पहले भी यहां पर एसडीएम रह चुका हूं, यहां के लोगों से मैं भली भांति परिचित हूं। इंदौर पश्चिम एसपी अवधेश गोस्वामी का कहना है कि किसी के बहकावे में न आए। सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट डालना आपराधिक श्रेणी में आता है। मैं सभी से इस संवाद के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस फैसले को लेकर किसी भी प्रकार की गलत जानकारी मिले तो तत्काल आप थाना प्रभारी या मेरे नंबर इस बोर्ड पर लिखे हुए हैं, आप मुझे भी सीधे व्हाट्सएप या फोन लगा सकते हैं। देपालपुर से विशाल चांदना की रिपोर्ट। इस संदर्भ में एक सामान्य चर्चा और शहर का अमनचैन बनाए रखने के बारे में आप सब लोगों से, गाँव के प्रबुद्ध लोगों से चर्चा का उद्देश्य था, तो तैयारियां प्रशासन की पूरी है। सभी लोग से एक संवाद स्थापित करने की सोच थी, तो उसके लिए हम लोग यहां आए हुए थे। और क्योंकि मैं पूर्व में भी देपालपुर रहा हूं, तो उस बहाने भी एक था कि चलिए सब लोगों से एक मुलाकात हो जाए, तो उद्देश्य है। थैंक यू। इस बात को इंश्योर किया गया कि हम शहर की जो आबो हवा है, अमन चैन, उसको बनाए रखेंगे। परिप्रेक्ष्य में प्रशासन की तरफ से हमारे एडीएम साहब के साथ में हम लोग जो है पूरे जिले के भ्रमण पे हैं, सभी जगह जाके सभी थाना क्षेत्र में मीटिंग्स ले रहे हैं। और पर्पज ये है कि लोगों को इसकी संवेदनशीलता से अवगत कराना, और जो हमारे इंदौर की परंपरा है कि सांप्रदायिक सद्भाव बना के रखने की, एक दूसरे के साथ जो भाईचारे की परंपरा है उसको कायम रखने के लिए लोगों को की तरफ से आश्वासन प्राप्त करना। देपालपुर में सभी लोगों ने आश्वस्त किया है, सभी समुदाय के लोगों ने, कि जो है वो आने वाले समय में जो है कस्बे में निर्णय कुछ भी रहे, बाकी पूर्ण रूप से शांति और अमन का माहौल रहेगा। तो बस इसी सिलसिले में हम लोग बातचीत करें। नागरिकों की तरफ से सच कोई सुझाव नहीं आया, लेकिन सभी ने आम सहमति से ये आश्वासन दिया कि इस तरीके का कस्बे में कोई बात नहीं है और न भविष्य में होगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।